तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वालों के एम आई स्मार्ट टीवी में जो वाईफाई है यहाँ पे मेरा कनेक्ट नहीं हो रहा है, जो वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने जो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी में यहाँ से मैंने जो वाईफाई पे क्लिक कर दिया है, तो यहाँ से हमारा जो वाईफाई है उसमें हम जो क्लिक करते हैं यानी कि जो वाईफाई को यहाँ से हम कनेक्ट करते हैं जो इंटरनेट यूज़ करने के लिए, तो यहाँ से हमारा जो वाईफाई है यहाँ से हमारा कनेक्टेड नहीं हो रहा है। तो स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ से मैंने जो एक वाईफाई पे क्लिक कर दिया है। तो चलिए ऐसे हम देख लेते हैं कि सही से हमारा जो वाईफाई है यहाँ पर मेरा कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों स्क्रीन पर देख लीजिए कि यहाँ से जो क्लाउड पॉइंट का जो प्रॉब्लम आ रहा है यानी कि यहाँ पे जो हम प्लीज ट्राई पे क्लिक करते दूसरी बार को या से हम जो ट्राई करते लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारा वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है यानी कि वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस वीडियो में आपको लाइव प्रॉब्लम सॉल्व करके कंप्लीट बताने वाला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों यहाँ से हमने जो दूसरी बार को यहाँ से हमने जो वाईफाई पे क्लिक कर दिया है लेकिन फिर भी हमारा यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रहा है वाईफाई यहाँ पे मेरा कनेक्टेड नहीं हो रहा है। तो आपका जो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी में गूगल टीवी में इसी तरह जो वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो स्क्रॉल करके नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे जो स्कैन का ऑप्शन है तो यहाँ से आपका जो टीवी में ऑप है तो इसको आपको ऑन कर देना है और ऑन करके आपको यहाँ पे ऐड नेटवर्क पे क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, तो वैसे आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपका जो वाईफाई है जो वाईफाई का नाम है वही आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ से मैं जो हमारा जो वाईफाई का नाम है उसको यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ। तो वैसे मेरे भाई आपको यहाँ पे आपका जो 100% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने जो वाईफाई को नाम टाइप कर दिया है और यहाँ से आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। तो यहाँ से आपको जो WP2 का जो पर्सनल है तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना जो वाईफाई का पासवर्ड है वही आपको टाइप करना है। तो यहाँ से हमने जो वाईफाई का पासवर्ड को टाइप कर दिया है और टाइप करके आपको यहाँ पे राइट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से हमने राइट पे क्लिक कर दिया है। तो दोस्तों हमारा जो वाईफाई का प्रॉब्लम आ रहा था वाईफाई हमारा जो कनेक्टेड नहीं हो रहा था तो यहाँ से हमारा सही से जो कनेक्टेड सक्सेसफुली लिखा आ चुका है यानी कि जो वाईफाई है यहाँ पे हमारा सही से कनेक्टेड हो चुका है। तो चलिए ऐसे मैं इंटरनेट को चला के आपको बताने वाला हूँ और यहाँ से हमारा जो अनु का जो वाईफाई का नाम है यहाँ पर हमारा सही से कनेक्टेड हो चुका है। तो वैसे मेरे भाई आपको यहाँ पे स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, वाईफाई कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वैसे मेरे भाई आपको यहाँ पे आसान तरीके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ से मैं किसी भी ब्राउज़र को यहाँ से मैं यूट्यूब को चला के आपको बताने वाला हूँ कि सही से यहाँ पे इंटरनेट कनेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो चलिए ऐसे मैं जाता हूँ ऐप में और ऐप पे क्लिक करके यहाँ से मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ कि सही से यूट्यूब ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो दोस्तों आपको इस तरह जो स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी में वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है, वाईफाई कनेक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वैसे मेरे भाई आपको यहाँ पे आसंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और जो वाईफाई है यहाँ पे मेरा सही से कनेक्टेड हो चुका है, यहाँ पे यूट्यूब पे चल रहा है। तो वैसे आपको किसी भी जो वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा है तो इसी तरह आपको यहाँ पे आसंदर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बता दिया है कि स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी में गूगल टीवी में वाईफाई को कनेक्ट कैसे कर सकते हो। लेकिन आपको जो वाईफाई को डिसकनेक्ट करना है तो यहाँ से आपको जो वाईफाई का ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे जो वाईफाई पे क्लिक करके यहाँ से जो वाईफाई है यहाँ से आपको ऑफ कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चल मिलते नेक्स्ट वीडियो में।